त्वचा पर ये स्क्रब 5 मिनट के लिए कीजिए और चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत, टाइट और गोरा हो जाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट सिटी। आज मैं आपको कोई बहुत ज्यादा महंगे वाला ट्रीटमेंट स्किन के लिए नहीं बता रही हूँ। बस 2 रुपए खर्च कीजिए और इस स्क्रब को अपनाइए अपनी त्वचा के लिए और इससे आपकी त्वचा से लटकती हुई स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वैसलीन और चीनी को, वैसलीन और शुगर को एक साथ मिलाकर त्वचा पर लगाइए और त्वचा को टाइट बनाइए। कैसे आप वैसलीन को अपनी स्किन पर लगाएं जिससे कि आपकी त्वचा एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग दिखे, तो इसके लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेकर आई हूँ और अगर आप इसको एक बार यूज करेंगे तो आपकी स्किन से सारा मैल, गंदगी बिल्कुल पूरी तरह से निकल जाएगा। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ वीडियो को, बट इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप मेरी और भी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहोगे। दोस्तों, ये जो नुस्खा है इसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए शुगर, जो कि आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। आप यहाँ पर ले लीजिए 1 से 1.5 चम्मच शुगर, वाइट शुगर में ले रही हूँ, अगर ब्राउन शुगर अवेलेबल हो तो वो भी लिया जा सकता है। ये 1.5 चम्मच मैंने शुगर को लिया और शुगर को हमने क्रश करना है। थोड़ा सा आप इसको क्रश कर लीजिए जिससे कि ये आसानी से आपके स्किन में लग जाए। तो मैं इसको एक क्रशर की हेल्प से थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। ये शुगर को मैंने बहुत अच्छी तरह से क्रश कर लिया है, इसका पाउडर नहीं बनाना, हमें थोड़ा सा इसको फूट लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए वैसलीन पेट्रोलियम जेली, हम इसके अंदर मिलाएंगे 1/2 चम्मच के बराबर वैसलीन। दोस्तों, वैसलीन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देती है। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर ये 1/2 चम्मच आपको वैसलीन इस ग्राइंडेड शुगर के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसमें मिलाइए ग्लिसरीन। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है इसके अंदर थोड़ा सा बादाम तेल। बादाम तेल हम यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है और साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं ये आपकी स्किन को ग्लोइंग तो बनाएगी, साथ ही स्क्रबिंग का बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। वेल, हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अभी लास्ट इन्ग्रीडियंट बचता है हमारा, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन पर स्क्रबिंग के काम के साथ साथ आपकी त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने यूज करना है लेमन जूस। आप 1/2 नींबू का रस इसके अंदर डाल दीजिए। अभी मोस्ट होता है कि आप कैसे अपने फेस पर इसको यूज करेंगे, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको इसे कैसे यूज करना है। वेल, अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दोस्तों ये एक स्क्रब और पैक आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। शायद ये उससे भी ज्यादा अच्छा है जो कि आप बहुत सारी ब्लीच अपने फेस पर लगाते हैं, उससे भी ज्यादा यूजफुल चीज है ये अगर आप इसको अपने फेस पर सही तरह से यूज करते हैं। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए डबल बॉइलिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही भी इसको यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे आपको इसे यूज करना है। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आप इसे अपने पूरे चेहरे पर ऐसे अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद आपको बहुत हल्के हाथ का यूज करना है और स्क्रबिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इतना आपको यूज करना है जैसे कि आपकी स्क्रबिंग भी अच्छी हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाए और आपकी स्किन रेड ना हो, तो इसीलिए मैं आपको इस चीज को बता रही हूँ। आप अच्छे से अप्लाई भी कीजिए इसको और हल्के हाथ से रब कीजिए, और रब करने के बाद जो लेमन आपने लिया है इस लेमन की हेल्प से ही आप इससे अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं और ऐसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इससे मसाज कीजिए और आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्यूटीफुल हो जाएगी। इससे आपको पूरे फेस पर, आप डार्क नेक पर भी यूज कर सकते हो इसको और ये आपकी त्वचा के लिए एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने हाथ पर बहुत अच्छे से स्क्रब किया, उसके बाद मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है और हाथों की स्किन सॉफ्ट है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मुलायम दिख रही है और त्वचा में बहुत ज़्यादा टैनिंग थी वो रिमूव हो चुकी है। अब हम अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन ड्राई कर लेंगे और अभी आप इसका रिजल्ट कम्प्लीटली देख सकते हो। आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका मिलने वाला है आप लोगों को। तो इस स्क्रब को आप अपने हाथ पर, अपने फेस पर ज़रूर करके देखिएगा और फीडबैक में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। आने वाली मेरी सभी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।